हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एस मनी, पटना का फिजिक्स टीचर। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं पटना के सबसे कमाल का एजुकेशनल चैनल एमिंग हाई में। यह ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 11.5 है, मतलब कि 12th फिजिक्स एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर का 5वां सेट। यह ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सीरीज होता है, साथ साथ में नॉलेज रिविजन और टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टूडेंट इस सीरीज के हेल्प से बोर्ड एग्जाम में 100% स्कोर कर सकता है, लेकिन यह फायदा उसको तभी मिल पाएगा जब वो सारे के सारे सेट के सारे वीडियोज को बिल्कुल अंत तक देखता है। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हैं, और साथ साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए पूरा लेक्चर और ईबुक बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या हमसे फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन कि अब मैं एन अकेडमी पर भी हूं। आप हमें एस मनी सर्च करके वहां फॉलो कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी जा सकते हैं। एन अकेडमी इंडिया का एक लर्निंग ऐप है जहां पे स्टूडेंट सिर्फ स्टडी करते हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ स्टडी के लिए टीचर अवेलेबल हैं। आप बोर्ड एग्जाम के लिए सारा का सारा मॉडल पेपर का सॉल्यूशन वहां पे देख सकते हैं और जो मैंने बनाया है। और अगर आप जेई नीट मेडिकल इन सब का प्रिपरेशन करते हैं तब तो एन अकेडमी पे जाके हमें जरूर फॉलो कर लीजिए। और अगर इस सीरीज के बारे में और भी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को रोककर इस इंफॉर्मेशन को जल्दी से पढ़ लीजिए, पूरा डिटेल जानकारी पता चल जाएगा। पीछे के वीडियो को देखते रहने के लिए राइट साइड कॉर्नर पे आई बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या यूट्यूब पे एमिंग हाई सर्च करते कर सकते हैं। चलते हैं आज के सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे, और देखते देखते आज का फर्स्ट क्वेश्चन में आ गए डियर स्टूडेंट। इसमें कहा जा रहा व्हेन एनी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इमिट अल्फा पार्टिकल। अच्छा, जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा पार्टिकल निकालता है तो इसके मास नंबर पे क्या असर पड़ता है, मैं क्या असर पड़ेगा, वो तो आंसर लिखा हुआ ही है, लेकिन थोड़ा सा मन मार के जो मैं बात बता रहा हूं उसे आप सुन लीजिए एक बार। इसलिए मैं सुनने कह रहा हूं क्योंकि इससे इस कॉन्सेप्ट से एक बार नहीं न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, और जो अभी मैं सिखाने जा रहा हूं अगर आप उसे पूरा देख लीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का क्यों ना हो आप यूं चुटकी में बनाइएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन में कह रहा कि अल्फा पार्टिकल निकलने से क्या होता है मास नंबर पे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। मैं पहले ही बता दिया हूं कि बाबू अल्फा पार्टिकल दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन का मिला जुला रूप है। दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन मिलकर अल्फा पार्टिकल बनाता है, यानी जब भी किसी से अल्फा पार्टिकल निकलेगा, अल्फा कण निकलेगा, इसका मतलब उससे दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन कमेगा, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन की वैल्यू कमेगी। तो खुद सोचिए कि जब मान लीजिए कोई भी है इससे एक अल्फा पार्टिकल निकला, यानी कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन कमा, अब बताइए कि मास नंबर कितना कम जाएगा। आप बोलिएगा सर एस मनी सर, जो दो प्रोटॉन ना निकला सर, दो न्यूट्रॉन ना निकला सर, तो हमको पता है कि मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के कारण होता है सर, दोनों के कारण मास नंबर होता है सर, यानी मास नंबर 4 ना कमेगा सर क्योंकि दो प्रोटॉन निकला और दो न्यूट्रॉन। बिल्कुल, आपके लिए मेरे तरफ से ताली, आपका आंसर बिल्कुल सही है। सच में दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन निकला तो इसका जो मास नंबर होगा वो दो से घटता है, लेकिन परमाणु संख्या भी घटती है। अच्छा, डिक्रीजेस एंड एटॉमिक नंबर आल्सो डिक्रीजेस। अच्छा, मतलब यहां संख्या के बारे में नहीं कह रहा था, बस कह रहा था कि मास नंबर क्या होगा, तो मास नंबर भी कमेगा और साथ साथ में एटॉमिक नंबर भी कमेगा। लेकिन हां, मास नंबर कितना से कमेगा डियर स्टूडेंट, 4 से। कितना से कमेगा, 4 से। एटॉमिक नंबर कितना से कमेगा, एटॉमिक नंबर के बारे में बताइए। आप कहिएगा सर हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर, हम लोग न्यूट्रॉन के नंबर को नहीं बोलते हैं, आप पढ़े होंगे तो पता होगा कि एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन के नंबर को नहीं बोलते हैं, सिर्फ प्रोटॉन के नंबर को एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और सर जब प्रोटॉन निकला 2, यानी एटॉमिक नंबर 2 से कमेगा। चलिए, इसके लिए भी आप लोगों के लिए ताली,
आपके लोगों के लिए, इसके लिए भी ताली। आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए कि अल्फा पार्टिकल जब निकलेगा तो मास नंबर 4 से कमेगा और एटॉमिक नंबर 2 से कमेगा किसी का भी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि कोई एक एटम है, फलाना हम एक से ले लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर मान लीजिए 20 है और मास नंबर मान लीजिए 42 है, 42 ऐसे एक अल्फा पार्टिकल निकला। अब एक अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद जो बनेगा न्यूक्लियस, उसका एटॉमिक नंबर कितना से कमेगा? 2 से, अभी मैंने बताया 2 से, यानी 18 हो जाएगा उसका एटॉमिक नंबर। और मास नंबर जो 42 है वो कितना से कमेगा? 4 से, यानी 38 हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन इतना घुमा घुमा कर पूछता है कि मत कहा जाए, बहुत पूछता है। वही मैं बता दूं कि अगर बिट्टा पार्टिकल्स किसी से निकलता ना डियर स्टूडेंट, बिट्टा पार्टिकल, तो मास नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता है, मास नंबर पे कोई असर सेम रहता है, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। अगर आप लोग का रिक्वेस्ट होगा तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसपे आपको यूं चुटकी के तरीका से समझ में आ जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट से कभी भी आपसे अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बिल्कुल मजबूत स्टूडेंट के तरीका से बताइएगा। फिलहाल अल्फा बिट्टा के बारे में याद रखिएगा, ये अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 से कमता है, मास नंबर 4 से कमता है। बिट्टा पार्टिकल जब निकलता है तो एटॉमिक नंबर पे कोई असर, सॉरी, मास नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है। इसका तो आंसर हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, लेकिन इससे पहले एमिंग हाई के रेगुलर व्यूअर, क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का सवाल, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपके सामने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है नीचे, जल्दी से जाके बताइए कि ए बी सी डी में सही आंसर क्या होगा। वीडियो के कमेंट बॉक्स को तोड़ डालिए, फोड़ डालिए, मरोड़ डालिए, लेकिन हमें आंसर मिलना चाहिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर सकते हैं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि मैं जितना वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए आ गए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। चलिए सेकेंड नंबर देखिए, बिट्टा कहीं आ गया। अब मैं नहीं बताऊंगा इसका आंसर। जब कह रहा है जब एक रेडियो एक्टिव परमाणु बिट्टा कण उत्सर्जित करता है तो परमाणु भार पे क्या असर पड़ता है, मास नंबर पे, एटॉमिक वेट पर क्या असर पड़ता है डियर स्टूडेंट। तो आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे क्या असर पड़ता है। बिट्टा कह रहा है, बिट्टा में मैंने बताया ना आप लोगों को कि जब बिट्टा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर तो 1 से बढ़ जाता है, बट मास नंबर, परमाणु भार पे कोई असर नहीं पड़ता। इसका आंसर ए हो जाएगा। आ गए थर्ड नंबर क्वेश्चन पे, और थर्ड नंबर आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन को जो स्टूडेंट मेरा ये वीडियो अभी तक देख लिया, यूं बना देगा, यूं अच्छा से बना देगा, बिल्कुल चुटकी बजा के बना देगा, लेकिन जो रटेगा, कितना रटिएगा, रट के जाइएगा कहां, कितना रटिएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है ना कि आपके पास एक, आपके पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 84 है और मास नंबर 202 है, और कह रहा है कि एक न्यूक्लियस जिससे एक अल्फा पार्टिकल निकलता है, अच्छा एक अल्फा और एक बिट्टा निकलता है, तो चलिए क्या होगा, कह रहा परमाणु संख्या क्या होगा, परमाणु संख्या सिर्फ पूछ रहा है। चलिए इसका कितना है साफ करके चेक कर 84, तो चलिए 84 इसका एटॉमिक नंबर हो गया डियर स्टूडेंट, मास नंबर 2 से 2 हो गया। तो सबसे पहले अगर एक अल्फा निकलेगा तो क्या होगा बताइए, एक अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 2 से कमेगा यानी 92 होगा, और मास नंबर 4 से कमेगा तो 202 में से जब 4 जाएगा तो 198 बचेगा। अब अगर बिट्टा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा, बिट्टा पार्टिकल निकलेगा, एक बिट्टा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा, तो आपको पता है कि बिट्टा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर पे कोई असर नहीं पड़ता है, यानी मास नंबर ज्यों के त्यों 198 आ जाएगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, यानी 92 के बजाय इसका आंसर सही 93 हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन में भी मिसप्रिंट है, यहां 93 होना चाहिए था, 83 बाई मिस्टेक लिखा गया, सॉरी नहीं, ऑप्शन में मिसप्रिंट नहीं है, और यहां 84 और हमने गलती से यहां 94 लिख लिया। चलिए कर लेते हैं, 84 रहेगा तो 2 कमेगा तो 82 हो जाएगा, और 82 में फिर 1 बढ़ेगा तो 83 हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आ गए फोर नंबर क्वेश्चन में, कहा जा रहा है द फेनोमेनन ऑफ कॉम्बिनेशन न्यूक्लियस एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियस एंड रिलीजिंग एनर्जी इज नोन एज, थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा इंग्लिश में ये हो गया, हिंदी में कह रहा है नाभिकों के मिलने और एक नाभिक के बनने और ऊर्जा मुक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है। आपको पता होगा ना कि छोटा छोटा नाभिक मिलकर जो सूर्य में होता है,
सूर्य में छोटा छोटा न्यूक्लियस मिलकर एक बड़े न्यूक्लियस का निर्माण करता है और इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी ऊर्जा मुक्त होता है, इसे हम नाभिकीय संलयन कहते हैं, नाभिकीय संलयन। और वहीं जब नाभिक टूटकर बड़ा से छोटा में बनता है, यहां तो छोटा से बड़ा बन रहा है ना, अगर बड़ा से छोटा बनता है टूटकर, तो उसे नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से समझ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। करा द प्रोसेस इन विच ए हेवी न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू नियरली इक्वल मासेस। अच्छा, तो इसका तो मैंने अभी बताया कि आंसर विखंडन हो जाएगा। जिसमें भारी न्यूक्लियस टूटकर छोटा में बनता है उसको विखंडन बोलते हैं, और जिसमें छोटा छोटा मिलकर भारी बनता है जो क्वेश्चन नंबर 4 में था उसको हम लोग संलयन बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं। चलिए आ गए 6 नंबर क्वेश्चन में। करा रीजन ऑफ एनर्जी ऑफ सन इज। अभी मैंने बताया कि सूर्य में जो ऊर्जा मुक्त होता है, सूर्य से जो इतना एनर्जी मिलता है, उसके पीछे का वजह नाभिकीय संलयन, जिसमें छोटा छोटा न्यूक्लियस मिलकर बड़ा न्यूक्लियस बनाता है। 7 नंबर क्वेश्चन से पहले एक मैसेज शो कर रहा है, वीडियो को रोककर इस मैसेज को पढ़ लीजिए, अगर सही लगता है तो इस पे वर्क कीजिए। 7 में कह रहा है फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज रिलेटेड टू। रेडियो एक्टिविटी किससे रिलेटेड है? तो नाभिक के 6 से। आपको पता होगा ना कि रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियस से अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये सब निकलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिके ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का 6 होना, टूटना, बिखरना, इसी को बोलते हैं। 8 नंबर में कहा जा रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्रॉपर्टी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसा प्रॉपर्टी होता है, किसके पास होता है, ये कह रहा है। तो देखिए, अल्फा पार्टिकल के पास तो नहीं होता है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक पार्टिकल है जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। बीटा पार्टिकल के पास भी नहीं होता है, क्योंकि बीटा पार्टिकल भी पार्टिकल जिसे इलेक्ट्रॉन होता है। और आपको पता है कि जो गामा रे होता है ये इनर्जी है, इनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी 8 का सही आंसर सी हो जाएगा। याद रखिएगा कि अल्फा, बीटा और गामा जो तीनों पार्टिकल या तीनों जो रे हम लोग बोलते हैं, उसमें अल्फा सच में पार्टिकल है, बिट्टा भी कण है, बिट्टा भी पार्टिकल है, लेकिन जो गामा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एनर्जी है। आ गए 9 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन नहीं है? तो आप खुद देखिए, एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, लाइट भी होता है, गामा भी होता है, लेकिन बीटा रे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होता। अभी मैंने ऊपर में भी बताया, यहां भी वही कहा जा रहा है, गामा रे है, गामा किरणों का होता है, क्या होता है? तो अभी मैंने बताया कि जो गामा रे बस एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, गामा रे के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। और जो मास होता है वो भी 0 होता है, क्योंकि फोटोन का बना हुआ होता है ना, और फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। 10 का आंसर ए हो जाएगा। 11th में आ गए डियर स्टूडेंट, जल्दी से करा। इफ अ स्पीड ऑफ एक्सरे एंड गामा रे और एक्स एंड जी इन वैक्यूम। अच्छा, एक्सरे और गामा रे का जो स्पीड है वैक्यूम में, 1 का एक्स है और 1 का जी है, तो कह रहा कौन सा, सूर्य नहीं, शून्य होना चाहिए था, यहां आप कर लीजिए शून्य, किरणों का शून्य, शून्य मतलब वैक्यूम, वैक्यूम में दोनों का जो चाल है वो एक्स और जी है, तो कह रहा कौन सा सही है। डियर स्टूडेंट, वैक्यूम में कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे एक्स हो, चाहे गामा हो, चाहे रेडियो वेव हो, चाहे विजिबल लाइट हो, दृश्य प्रकाश, जो भी हो, सबका स्पीड सेम होता है, यानी दोनों का स्पीड सेम होगा। होता कितना है? 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड के बराबर, यानी 11 का आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 12th नंबर पे। आ गए देखते देखते 12th नंबर पे, द टाइम इन विच अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस इज हाफ नोन एज। वो समय जिसमें रेडियो एक्टिव सबस्टांस का अमाउंट आधा हो जाता है रेडियो एक्टिव डिके होने के बाद। आपको पता ना कि रेडियो एक्टिव डिके में नाभिकीय जो 6 होता है उसमें आधा टूट के आधा बच जाता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? उस समय लोग बोलते हैं हाफ लाइफ, अर्ध आयु, जितना देर में आधा हो जाता है, बचता है आधा, उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। आ गए 13 नंबर क्वेश्चन में, कह रहा है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सबस्टांस इज 5 ईयर, यानी कि 5 साल में रेडियो एक्टिव सबस्टांस का जो अमाउंट है वो आधा हो जाता है। हाफ लाइफ दिया हुआ है 5 ईयर, यानी 5 साल में आधा हो जाता है। द पार्ट ऑफ डिकेड एटम इन 15 ईयर। अच्छा, 15 साल में कितना डिके, कितना टूट जाएगा, ये करते हैं, तो बहुत आसान है ना, सोचिए हाफ लाइफ है 5, हाफ लाइफ कितना है 5, ऐसे एक सेकेंड, हाफ लाइफ है 5 साल, तो पहले 5 साल में आधा हो जाएगा। मैं कह रहा हूं
कि हाफ लाइफ अगर 5 साल है डियर स्टूडेंट, तो पहले 5 साल में आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा कहने का मतलब अगर x है तो अगले हाफ 5 साल में x बाय 2 होगा, इसके अगले 5 साल में इसका भी आधा, x बाय 2 का भी आधा हो जाएगा x बाय 4, क्योंकि हाफ लाइफ का मतलब ही होता है कि वो समय जिसमें आधा हो जाए। तो पहला हाफ लाइफ में आधा होगा, दूसरा लाइफ में आधा, और तीसरा हाफ लाइफ, तीसरा 5 साल में इसका भी आधा, यानी x बाई 8 बचेगा। 15 साल हो गया ना, 5 साल यहां, 5 साल यहां और 5 साल यहां, 15 साल। कह रहा है 15 साल में क्या कितना टूट जाएगा, ये कह रहा है कितना टूट जाएगा, कितना क्षय हो जाएगा, ये कह रहा है। तो पहला 5 साल में x बाई 2 बचेगा, दूसरा साल में उसका भी आधा x बाई 4 बचेगा, और तीसरा साल में उसका भी आधा x बाई 8 बचेगा। तो खुद सोचिए कि पहले x था, अब x बाई 8 बच रहा है, तो कितना टूटा, x माइनस x बाई 8। पहले x था और x बाई 8 बच रहा है, तो टूटा कितना, तो हटा देंगे 7x/8, यानी 7/8 पार्ट बचेगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। बीटा पार्टिकल आर डिफ्लेक्टेड इन, मैंने पहले ही बता दिया डियर स्टूडेंट कि बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन किसमें डिफ्लेक्टेड होता है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों क्षेत्र में, क्योंकि चार्ज ना होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है, और कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र दोनों के दोनों में मुड़ता है, दोनों के दोनों में विचलन उसका होता है। 14 का सही आंसर डी हो जाएगा। इसी तरीका से पढ़िए, इसी तरीका से सीखिए, और बिल्कुल झंडा गाड़ दीजिए, अपने भविष्य का झंडा गाड़ दीजिए, मजबूत स्टूडेंट के जैसा झंडा गाड़ दीजिए। वीडियो को अच्छा लगता है तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स को बता सकते हैं, वीडियो को शेयर करके उनको भी हेल्प कर सकते हैं। इसी तरीका से सीखते रहिए, समझते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।